ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, सो ये वीडियो लेडीज के लिए, गर्ल्स के लिए, ऐसी लड़कियां जिनसे हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है भाई तुम तो शादी करो ही मत, तो ये उनके लिए ये वीडियो, ठीक है, तो पूरी देखना। तो देखो बहुत बार क्या होता है ना, ऐसी लड़कियां हैं हमारी इंडियन सोसाइटी में, हमारे पास भी क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने सोचा 100 सुनार की 1 लोहार की एक वीडियो बना ही देते हैं, ताकि बार बार वो वीडियो भेज दिया करूँगा भाई ये सुन लो, मेरे को अपनी एनर्जी वेस्ट ना करनी पड़े। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो बहुत सारी ना लड़कियाँ ऐसे क्वेश्चन पूछती हैं कि भाई सर ऐसा कोई लॉ बताओ कि हम ससुराल में चले जाएं और फिर वहाँ हमें काम ना करना पड़े, अगर हमें काम के लिए बोले तो हम वो वाला केस कर दें और उनको ऐसे धमकाएं वमकाएं, ठीक है। ये भगवान क्या जुलूम। तो यार देखो मैं तुम्हें मतलब बींग ए गुड पर्सन बताता हूँ चीज़ें क्या होती हैं। तो देखो तुम ना शादी से पहले ना शादी को समझो, शादी के कंसेप्ट को समझो, शादी क्या है। शादी इज़ ए वॉयलेशन ऑफ प्राइवेसी, प्राइवेसी समझते हो, मतलब तुम्हारी निजता का हनन है शादी। पहले एक बंदा होता है, जैसे मान लो एक बंदा है, ठीक है, वो अकेला मजे कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, वो चिल कर रहा है, फिर उसकी लाइफ में एक बंदी आ गई, शादी होगी, मान लो फेरे वेरे हो गए तो वो उसकी लाइफ में आ गई। अब क्या है, वो कुछ करेगा तो उसको पता चलेगा, यानी ये जो बंदा ये कुछ करेगा ना, मतलब पति कुछ भी करेगा तो उसका इफेक्ट वाइफ पे आएगा, या फिर जो वाइफ करेगी वो उसकी लाइफ में आएगा इफेक्ट, ठीक है। अब तुम ये देखो दोनों बंदे बेडरूम शेयर करते हैं, तो वॉयलेशन ऑफ प्राइवेसी है ना, समझ रहे, फिजिकल रिलेशन करते हैं, वॉयलेशन ऑफ प्राइवेसी है। अब सुनो, अब यार तुम सोचते हो ना कि भी हमें काम ना करना पड़े, हमें वो ना करना पड़े, हमें ये ना करना पड़े, तो इस चीज़ को समझो पहली बात। तो देखो तुम्हें काम करना ही पड़ेगा, अगर मान लो तुम हो, पहले मान लो तुम अपने घर में रहते थे, तुम्हारे घर में कुछ और कल्चर चलते थे, कल्चर मतलब तुम्हारे घर में था कि भाई मंगलवार को प्रसाद बांटना है, तो अब तुम लड़के के घर में आ गई, अब लड़के के घर में कुछ और कल्चर चलते हैं, यानी कि जैसे भी शनिवार को तेल का दिया लगाना है, या फिर होली दिवाली अपने बड़े बूढ़ों को वहाँ जाना है, उनको पूजा पाठ करनी है, तो कहने का मतलब तुम्हें इनकी वो रिचुअल्स या सब कुछ फॉलो करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर तुम किसी के घर जा रही हो तो तुम्हें उसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर तुम एडजस्ट नहीं कर सकती, फॉर एग्जांपल होता ना भाई तुम्हें तो अपनी मनमर्जी करनी है, तो भाई तुम शादी मत करो। ये वीडियो उन लड़कियों के लिए, तो अगर तुम्हें लगता है कि हम अपनी मर्जी चलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो तुम्हारे लिए शादी नहीं बनी, तुम ना सोलोगैमी कर लो, अपने आप से ही शादी कर लो। एक लड़की थी ना गुजरात की, उसने सोलोगैमी करी थी अपने आप से ही, उसने पूरा मतलब अपने आप से शादी कर ली, तो तुम्हारे लिए वो है, सोलोगैमी बनी पड़ी है तुम्हारे लिए, तुम वो करो, ठीक है, तुम ये वाला काम मत करो, तुम शादी के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि अगर शादी होगी ना तो तुम्हें काम भी करना पड़ेगा, ठीक है, काम भी करना पड़ेगा, बर्तन भी धोने पड़ेंगे और सारे काम करने पड़ेंगे भाई, ठीक है। जो लड़का होता है ना उसकी जो मतलब माँ होती है वो यही उम्मीद करती है, भाई मैं बुढ़ी हो गई हूँ, अब कोई आ जाए काम करे, थोड़ा मेरा हाथ बटाए, अपने हाथ से खाना वाना खिलाए, इसलिए शादी वादी वो करते हैं, ठीक है, ऐसे। तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। अब तुम सोचते हो कि भाई हम ये सब नहीं करेंगे तो तुम लता मंगेशकर बन जाओ। लता मंगेशकर का ना एक स्टेटमेंट था, उन्होंने बोला था भाई उन्होंने ना शादी नहीं करी थी, तो उनसे किसी ने पूछा भाई शादी क्यों नहीं करी थी, तुम देख लो यार लो। आपने शादी करने या परिवार बसाने का फैसला क्यों नहीं किया कभी? नहीं किया, काम करने का इतना ज्यादा ये था, शौक भी था और काम कर भी रही थी, उसमें कभी इस चीज पे मैंने ध्यान ही नहीं दिया। और आज आपको लगता है कि आपका सही फैसला था, या आप कभी आपको पश्चाताप होता है? मुझे किसी बात का पश्चाताप नहीं होता, पश्चाताप मुझे इसलिए नहीं होता है कि मैं ये मान के चलती हूँ कि इंसान की जिंदगी में जो होना है वो होता ही है। ये भी हो सकता है कि मैं शादी करती और एक दो साल में मेरा डिवोर्स भी हो जाता, तो अच्छा है, ना ही हुआ तो अच्छा है, यही होना था, इसमें से कोई अच्छी चीज निकलेगी, बुरी चीज नहीं निकलेगी। तो तुम लता मंगेशकर बन जाओ, लेकिन अगर तुम शादी करते हो तो ब्रीच ऑफ प्राइवेसी होगी, तुम्हें काम करना पड़ेगा, तुम्हें सब कुछ करना पड़ेगा, वहाँ का जो कल्चर है वो सब करना पड़ेगा, तुम्हें कहने का मतलब ये वन वर्ड में तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, तुम बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं ना भाई, मैं तो अपने बाप के घर पे कभी मैंने कपड़े नहीं धोए, कभी मैंने बर्तन नहीं धोए, मैं यहाँ धोऊंगी ना, ऐसे बोलती है ना कुछ लड़कियाँ, तो फिर एक काम कर अपने बाप के घर ही जाना, फिर तू शादी क्यों कर रही है, तो फिर तू अपने बाप के घर ही बैठना। कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हें ज़्यादा चुल्ला है तो शादी मत करो, ठीक है, अगर तुम्हें एडजस्ट कर सकती हो तो शादी करो, अदरवाइज़ तुम्हारे लिए शादी नहीं बनी, तुम हाथ जुड़वाओ, तुम लता मंगेशकर के चरणों में जाओ। ओके, कुछ बड़ा करो लाइफ में, फिर कुछ और सोचो, तुम्हारे लिए शादी वादी नहीं है, ठीक है, फिर तुम वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में सोचो, ये सब मत सोचो, तुम सोचो ही मत। ओके, और होती हैं यार बहुत लड़कियाँ ऐसी होती हैं भाई हमें ऐसा बता दो कि हम वहाँ पे रात चलाएं, ये करें वो करें, तो भैया हमसे ये उम्मीद ना करा करो, ठीक है, अगर तुम्हें शादी करनी है तो अच्छे से करो, अदरवाइज़ फिर तुम अपना सिंगल रहो, वही बढ़िया है, क्योंकि ना तुम शादी करके फिर उस बंदे की भी लाइफ ख़राब कर दोगी,
तुम्हें अपनी मर्जी चलानी, वो एडजस्ट करेगा नहीं, क्योंकि भाई तू उसके घर आई है ना, वो तेरा घर थोड़ी ना आ रहा है। तुझे रखेगा, सब कुछ रखेगा, पूरी लाइफ टाइम सब कुछ तुझे रखेगा, अच्छे से पालेगा, फिर भी तुम ऐसे ड्रामे करोगे तो फिर कौन रखेगा? तो तू उस बंदी की भी लाइफ खराब करेगी, उसके घर वालों की भी, इससे अच्छा तू शादी ही ना कर, ठीक है? बात तो सही है। ओके, तो समझ गए जिसको समझना है, ठीक है? नहीं भैया, शादी करोगे तो तुम्हें एडजस्ट करना ही पड़ेगा। ओके, इंडियन सोसाइटी है, यू नो ह्यूमन, आई नो ह्यूमन नेचर। ओके, और बहुत सारी लड़कियाँ होती है ना भाई, हमें तो वुमेन एम्पावरमेंट करना है, तो फिर तुम वैसा वाला देखो, वैसा वाला मतलब अपने टाइप का देखो, बिल्कुल अपने टाइप का। ओके, किसी की वैसे गृहस्थी में मत जाओ। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर, बाय। बैठा गले बेनी बाप तेरा नल्ला है, लोड़ा हुक्का में।